आप सबका स्वागत है विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो 2023 2023 और 24 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं और किन किन बुक्स में से कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 12th क्लास का जो हिस्ट्री है उसके तीन बुकें हैं। कितने बुकें हैं? तीन बुकें हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों बुक का एक ही नाम है, क्या? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। देखो, इसमें ना एक लॉजिक सा छुपा हुआ है भारतीय इतिहास के। आपको पता है इतिहास बहुत बड़ी चीज है। इतिहास के कुछ विषयों को इस बुक में रखा गया है, ठीक है, ताकि 12th वाले बच्चे उन चीजों को पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री का तीन बुक है, भारतीय इतिहास का कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। एक बार चीजों को पढ़ेंगे बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है, इतनी गारंटी हमारी है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं, देन हम आगे फर्दर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बुक 1। बुक 1 जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय का भाग 1, इसमें टोटल है 4 चैप्टर। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईट मनके का अस्थियां। ठीक है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, वो है कि राजा, किसान और नगर। इसमें हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाणक्य ने किस तरीके से घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं और उस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं महाभारत के बारे में कि महाभारत में जो जातीय थी या फिर आप समझ सकते हो जो बंधुत्व था उस टाइम पे प्रतिबंधकता चलती थी तो किस हिसाब से चलती थी। ठीक है, वर्ग कितने टाइप्स के होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इस तरीके की चीजें हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरंभिक समाज किस तरीके से था, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म कैसे आया और किस तरीके से वो फैला और साथ ही साथ स्तूप किसे कहते हैं, स्तूपों को बचाए रखने में किन किन लोगों का हाथ था, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस बुक से 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चारों चैप्टरों से मिलाकर पूछे जाएंगे, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 25 नंबर के क्वेश्चन इन चार चैप्टर से आएंगे जो कि फर्स्ट बुक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बुक के बारे में। जो दूसरा बुक है उसमें से आ रहा है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको बुक में टिक करना है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं ताकि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यात्रियों के नजरिए। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 यात्रियों के बारे में। ठीक है, अल्बिरूनी के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, इबन बतूता के बारे में, जो कि अन्य अन्य देशों से आए थे भारत भ्रमण करने के लिए। उन्होंने भारत को देखा और देखने के बाद कई सारी चीजों को अपनी पुस्तक में लिखा। उन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से नजरिया क्या था भारत का। ठीक है, भारत किस हिसाब से था। आगे बात करते हैं भक्ति सूफी परंपरा में। इसमें भक्तिवाद और सूफी संतों का उदय कैसे हुआ, कैसे वो विस्तृत हुए, है ना। इसके अलावा इसमें गुरु नानक जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए लिखा है धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा का ग्रंथ। आगे बात करते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे लगभग 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में कौन कौन से बदलाव आए थे, कैसी कैसी चीजें आई थी। हम्पी सभ्यता थी, आगे चल के विजयनगर की स्थापना होती है, विजयनगर में जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने किस हिसाब से नए नए साम्राज्यों की स्थापना की, कैसे उन्होंने अपनी माँ के नाम पे एक साम्राज्य का गठन किया था, मतलब एक नगर को बसाया था, इस तरीके की चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। 8वें चैप्टर की बात करें तो किसान, जमींदार तथा राज्य, इसमें हम कृषि समाज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किसान कैसे, कौन कौन से किसान हुआ करते थे, कितने टाइप्स के होते हैं, जमींदार किस हिसाब से उनसे लगान वसूला करते थे और राज्य को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भी अगर मैं बात करूं तो इस बुक से भी 25 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 2 बुक हो गई और 2 बुक में 25-25 यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इस बुक का भी नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2।
आगे बात कर लेते हैं। अगला जो है चैप्टर थ्री, सॉरी बुक थ्री, और इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नाइन, उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम क्या पढ़े, हम पढ़ने वाले हैं शहरी जीवन किस हिसाब से था, देहात किस हिसाब से था, कैसे देहात में खेती करके चीज़ों को पहुंचाया जाता था शहर में, और कैसे शहर वाले उन चीज़ों को मतलब वो करते थे, ठीक है, और किस हिसाब से लगान को वसूला जाता था, कैसे कर टैक्स इत्यादि चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सरकारी अभिलेखों से कैसे हमें पता लगता था कि किस हिसाब से वो टैक्स लिया करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं विद्रोही तथा राज्य, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, है ना, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, बहुत सारे कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसा माना जाता था कि 1857 में ही देश आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका, और आजाद कब हुआ, 90 साल बाद, यानी कि 90 साल 1857 के 90 साल बाद अपना देश आजाद हुआ था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, किस हिसाब से देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी ने कितने टाइप्स का आंदोलन चलाए थे, कैसे कैसे चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, और कैसे आगे चल के अपने देश को हमें मतलब कैसे हम आजाद हुए, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं 12वें चैप्टर का, संविधान का निर्माण। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे संविधान का निर्माण किया गया, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे देश के सामने आई, और कैसे किन किन लोगों ने संविधान को बनाने में भूमिका अदा की, और किस हिसाब से आज जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, किस हिसाब से हमारी हेल्प कर रहा है अपने देश को अच्छे से चलाने में, किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आ रहा है आपका 25 मार्क्स का, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 25 25 25, यानी कि 75 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस वाली बुक से 25, इस वाली बुक से 25, इस वाली बुक से 25, यानी कि 25 25 25, यानी कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो गए। 5 नंबर आपका मैप वर्क आएगा, और लिख के ले लो 100% गारंटी के साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा मैप का, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन कटा नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा उस हिसाब से आपको करना है। आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रोजेक्ट का मिलता है, जो कि आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, इसमें डोंट वरी, 20 नंबर में आपको 19 नंबर कहीं नहीं गए, स्कूल वाले आपको हंस के देंगे इतना नंबर, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि यार आपके भी अच्छे नंबर आए, ठीक है, परफॉर्मेंस, और ऐसा भी हो सकता है 20 में 20 भी आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए 25 25 25 75 5 80 और 20, अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो टोटल जाते हैं आपके 100 मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपका जो थ्योरी वाला जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और जो टोटल मार्क्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका 100 मार्क्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, विकास स्टडी पॉइंट का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली वे में आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि सर आप ना YouTube पे मत पढ़ाइए, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐड आते हैं, तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे बिना ऐड के हम बैक टू बैक वीडियो देख पाए। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर मैं एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो रिकमेंडेशन में आया ही नहीं, अब कैसे हम प्लेलिस्ट पे उसको ढूंढे। तो मैं कहता हूँ जी विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सीरियल वाइज में 1 2 3 4 5 इस तरीके के चैप्टर्स दिए हुए हैं, आपको बस क्लिक करना है, पढ़ते जाना, क्लिक करना, पढ़ते जाना, बहुत ही बेहद एंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है। जल्दी से प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही, ठीक है। आगे बात करते हैं, बाकी यही है सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 चैप्टर में से, ठीक है, 3 चैप्टर डिलीटेड है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंडों में रिकमेंड करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भेजो, लाइक करो चीज़ों को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। देखो फोर्समेंट किसी को नहीं है, कि फोर्स आपको नहीं किया जा रहा है, आपको चीज़ों को अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ये हमारा जो भी चीज़ प्रेजेंट किया जा रहा है वो बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है, बाकी ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इसलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।